समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। चिन्मय मिशन झांसी के तत्वाधान में गुरुदेव पादुका पूजा का आयोजन प्रेमनगर सिकरी बाजार में किया गया। इस पादुका पूजन का आयोजन पूज्य गुरुजी स्वामी तेजो मयानंद जी के 74वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कृतज्ञता स्वरूप किया गया। इसमें वेद पुत्र अनुज के सानिध्य में चिन्मय परिवार झांसी की प्रतिनिधि के रूप में नूपुर श्रीवास्तव ने यजमान का पद ग्रहण कर विधि विधान से पूजा की। सभी साधकों ने गुरुदेव के 108 नामों के भावपूर्ण गायन द्वारा पुष्प अर्चना की। शीला गुप्ता और बाल विहार द्वारा मधुर भजन गायन किया गया। इस अवसर पर साधकों ने पूज्य गुरुजी के साथ बिताए अपने अनुभव को भी साझा किया। पूज्य गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात पूज्य गुरु जी ने चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख की सेवा ग्रहण कर पूरे विश्व में गुरुदेव की महिमा को फैलाया। गुरुदेव के चिन्मय यूनिवर्सिटी के संकल्प को पूर्ण किया। वेदांत के विषयों पर कई ग्रंथों का लेखन, वेदांत प्रशिक्षण आदि किया। पूज्य गुरुजी को उनके आध्यात्मिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी विभूषित किया गया। समागम में शीला गुप्ता, कृष्णा सक्सेना, हरीश अग्रवाल, बी के गुप्ता, ए के श्रीवास्तव, विनय गुप्ता, रजनी अग्रवाल, प्रियंका, रीना गिरी, अनीता श्रीवास्तव आदि के साथ युवा केंद्र के अभिलाषा, जिज्ञासा, योगेश, युवराज, कृष्ण, लक्ष्य, काव्या, भावेश, आकांक्षी, नित्य आदि उपस्थित थे। ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य ने सभी साधकों को इस पावन अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए साधुवाद ज्ञापित किया।